गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। ये सारे शार्प शूटर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 7 शार्प शूटर पुलिस की वर्दी में थे, जो गुरुग्राम में किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी शार्प शूटर को धर दबोचा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद देश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम लगातार सुर्खियों में है। पुलिस लगातार दोनों के गैंग पर कार्रवाई करने में जुटी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के दस शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और DCP सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छी तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट करा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर। पुलिस के मुताबिक ये सभी शार्प शूटर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के रहने वाले हैं। इंटरनेट के जरिए गोल्डी बराड के संपर्क में थे। गुरुग्राम पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 4 विदेशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 7 पुलिस की वर्दी और 2 गाड़ियां बरामद की है। इन सभी आरोपियों की पहचान जोगिंदर हरजोत सिंह, बिट्टू, संदीप, अजय उर्फ पंजाबी, राकेश, अनिल, प्रिंस, धर्मेंद्र, दीपक और भारत उर्फ करण के रूप में हुई है। पकड़े गए 5 शार्प शूटर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डेकोरेटी या किसी और भी अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज को एक सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के सोनापुरा रोड पर महेंद्रवाड़ा गांव के पास कुछ लोग गाड़ी में खड़े हुए हैं और ये आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और यहाँ पर इन 2 गाड़ियों में करीब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो ये सभी 7 हरियाणा पुलिस की वर्दी में मौजूद थे। जब क्राइम ब्रांच पुलिस को इन पर शक हुआ तो पूछताछ शुरू की गई और खुलासा हुआ कि ये असली पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के शार्प शूटर हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में बंद है, तो वहीं गोल्डी बराड विदेश में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है और आपराधिक गतिविधियों को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस इन दोनों गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है।